खबर है शहडोल जिले से। बता दें, जिले के गोहपारू पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के मौत की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन करना शुरू की। छानबीन के बाद मृतक महिला का आरोपी उसका ही पति निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक से किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते पति और पत्नी दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान पति ने अपनी पत्नी की लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी और आरोपी पहुंच गया गोहपारू पुलिस। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसे स्वाभाविक मृत्यु बताया। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद वसीम बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थाना प्रभारी गोहपारू सुभाष दुबे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शहडोल से संवाददाता ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। जवीना खातून झारखंड की रहने वाली हैं, जो अपने पति वसीम के साथ जो है गोहपारू में रहती थी। वसीम जो है हेयर कटिंग सैलून का काम करते थे। वसीम का प्रेम संबंध एक महिला से था, उससे बात करने के लिए उनकी पत्नी मना करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच में बात बात होता रहता था। घटना दिनांक को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वसीम ने डंडे से अपने पत्नी को मारकर हत्या कर दी थी और हमने जांच में लिया है और साक्ष्य जो है एकत्र